बालेश्वर एक घटना आपण को विचलित करदेव जड़े 15 वर्षिया नाबालिका को होटेल भितर दुष्कर्म करुवक बालेश्वर निकटस्थ चांदीपुर एक होटेल घटना घटी 20 रु 22 वर्ष भितर तीन जन युवक एभली अमानवीय काम कर परिणति भी सांघातिक घटी नाबालिका जनक घर को आसी विष पी कि सौभाग्यर कथा तुरंत हस्पिटाल अणाइला एवं से गुरुतर अवस्था चिकित्सित होती डाक्टर कहते से आउट ऑफ डेंजर अच्छा किंतु ऑब्जर्वेशन रखा जाए जो घटना घटी तार वीडियो दुर्वृत्त माने एक जानापर वीडियो वायरल भय नाबालिका जनक विष पी कह पूरा कहानी शुणिले आपण भी तीन जन दुर्वृत्त मंद उद्देश्य कथा सहजरे जानिपारे नाबालिका जनक मंदिर को नहीं जावाक कही जड़े युवक नहीं मंदिर न नहीं होटेल को नहीं जाते आहरी भयंकर कथा युवक जनक निजर दुई सांग को डक दुष्कर्म करते होटेल भितर प्राय 3 घंटा धरी नाबालिका को रखाई मुक्ति पाइबा नाबालिका जनक घर को आसते यहां खूब कंदाकटा करते कि घंटा पर विष पीवा भली चरम निष्पत्ति तेज सौभाग्यर कथ हूँ तुरंत हस्पिटाल भर्ती कर डाक्तर माने गंभीरतार सह नहीं चिकित्सा आरंभ कर फल से विपदमुक्त अच्छा किंतु ऑब्जर्वेशन रखाई टिके टिके कथबार्ता कर ठीक से बुझिपे पुलिस तुरंत आक्शन नहीं दुई जन जाक दुर्वृत्त को गिरफ्त कर चांदीपुर से ही होटेल मैनेजर को गिरफ्त कर जमापड़ी होटेल मैनेजर से ही तीन जन दुर्वृत्त कथबार्ता होता तेणु होटेल को सिल कर तदंतर पुलिस जापारी जो युवक जनक नाबालिका को होटेल को नहीं पूर्व से प्रेम संपर्क मझे ब्रेकअप होता एथे रागि जा युवक जनक प्रतिशोध ने निष्पत्ति से मिछ नाटक करते होटेल को नहीं सांगों सह ए दुष्कर्म करते एक अभावन घटना घटी जहां पुलिस गुरुतर सहित नहीं प्रसन्नजीत दास आम प्रतिनिधि सीधासलख जोड़ी होती प्रसन्नजीत तीन जन को पुलिस हेफाजत को नहीं सहित होटेल मैनेजर को गिरफ्त कर होटेल को सिल कर अर्थात पुलिस घटना को गुरुतर सहित नहीं कौन वर्तमान अपडेट आस जो कथा आपण कहते घटना अति गुरुतर कथा आम कह जो कथा कहते जे भाव जो प्रेमिक जनक रही पूर्वर मध्य प्रेम करते प्रेम परवर्त समय ब्रेकअप होता गोटे पटे ब्रेकअप अंपटे राग रही पूर्व शत्रुता रही है जहाँकि प्री प्लान कर जो नाबालिका रही कही पंचलिंगेश्वर बुलाई जावा ठाकुर दर्शन कर बुलाबूली कर प्लान थी अग कि अर्थात पूर्व शत्रुता और प्रेम ब्रेकअप आकु नहीं कि से प्लान करते पूर्व जे चांदीपुर नहीं कि जिबे एभली कारनामा करिवे जहाँ को सहयोगी रही दुईज सांग सहित प्लान रे लिप्त रही थे अर्थात जिते प्री प्लान अनुसार दुई दिन पूर्व से सका आसी से जो पचारे आम तो पंचलिंगेश्वर जबार दर्शन करार ठाकुर को बुलायापाई कितु जिते युवक जनक कही ना ना आम से जाऊने आम जाऊे चांदीपुर अर्थात चांदीपुर आम बुलाबूली करापर पलि आसवा कितु जिते युवती जनक नाबालिका नाबालिका जनक जानवाक पाई आम चांदीपुर जाऊे से से होटेल रो नहीं थिले बुलिबा बाहन रे होटेल को नहीं थिले एभली अघटन करी तांकु गणदुष्कर्म करथिले तांक सहित जो सांग दुई जन रही थिले से मध्य ए घटना लिप्त रही थिले एई घटना को नहीं कि आमे कहि परिबा जो तीन जन युवक रही छंती पुलिस घटना को गुरुतर नहीं 24 घंटा न पूर्ण तीन जन को गिरफ्त करथिला एवं जहाँ गतकाली एसडीपीओ प्रेस मीट्रे आमको सूचना देते जे घटना को अति संगीन भावे पुलिस नहीं जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालान कराई घटना जी रही से जो गोल्डन प्लाजा रो होटेल रो जी मैनेजर रही सी घटना को अति खामखियाली भावे नहीं थिले जो युवक माने रही से माने होटेल को जेहेतु जाते तो कौन सी डॉक्यूमेंट नहीं नथिले पचराउचरा कर नथिले जे आपण घर कौटी आपण कौटू आस मात्र किछि टंका नहीं होटेल रो एक रूम को दे देते जहाँ कि अति दुर्भाग्यजनक एभली होटेल जेहेतु दीर्घ दिन धरिक व्यवसाय करुछंती तो एठिकी विभिन्न समय रे चांदीपुर जेहेतु गोटे बीच अंचल सेटा को विभिन्न समय रे पर्यटक माने आस्थांती तो एठि रूल रही किछि रेगुलेशन रही जहाँ सरकार को नियम रही पुलिस रो जहाँ व्यवस्था रही निश्चित भाव में तांकर आधार कार्ड नवा कथा जांच करिया कथा कोठु आसथिले ता परवर्ती समय रे रूम दबा कथा किंतु होटेल रो जी मैनेजर रही थे से खामखाली भावे रूम दे देते किसी पैसा बदल तो कार्यानुषान ग्रहण करी गिरफ्त कर मोट गिरफ्त संख्या बर्तमान 4 रे पहुंची अंपटे आप देखिए जो प्रोसीजर रही था पुलिस रो जे एभली बेआईन कार्य लिप्त थी
जो होटेल टी ताकु मध्ये काली गत काली आपण जे देखिबे संध्या परवर्ती समय रे मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे जो रूम गुड़ी को रही पाखापाखी बारोटी रूम को पुलिस मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे सील करिछि। अर्थात आम कहीपर निश्चित भाव में पुलिस कार्यानुष्ठान गत काली शेष पर्यायर पहुंची बोली आम कहीपर अंपटे आप देखिए सीसीटीवी फुटेज रे जो हार्ड डिस्क रही से हार्ड डिस्क को मध्य पुलिस हेफाजत को नहीं से दिन कौन कौन घटना घटी से रूम को कौ समय किए किए पशी जांच कर पुलिस अंपटे जो हॉस्टल रजिस्टर्ड रही मेन्टेन कराला से ना लिखाई कि ना ताकु मध्ये पुलिस हेफाजत को लेकिन वर्तमान तदंत चलाई किंतु आम जहाँ कथा आमे जहाँ एसडीपी सहित कथा हो लगातार कथा एवं इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया कौन रही नहीं आलोचना करुले पुलिस कहवा कथा जो मान ना अभियोग रही है विशेषकर देखा ये तीन जन युवक जो मैंने ना अभियोग रही है कार्यानुष्ठान निया सरी जो जो आक्ट अनुसार आईन अनुसार आईनगत रही कार्यानुष्ठान से गुड़िक निया सरी फॉरवर्ड कराई बाकी रहा जो होटेल मैनेजर रही पुलिस पूर्व अटक रखा बेले परवर्त समय गिरफ्त करता जमापड़ वर्तमान समय रे जो नाबालिका पीड़िता जनक रही सी एफएम मेडिकल रे चिकित्सा होटेल सर्वमोट बारोटी रूम को सील करा जन गिरफ्त होटेल मैनेजर को गिरफ्त से पचराउचरा परवर्त समय आहरी किसी सत्यता पदा को आसो प्रेम बेपार को नहीं प्रतिशोध परायण हो युवक जनक एभली प्रतिशोध लेता कथ जो सामना को आसूँ पुलिस तदंतर दिग के जाऊँगी नजर रही प्रसंजित अंपटे आम जब कह सौभाग्यर कथ संगे संगे नाबालिका को हस्पिटाल भर्ती करतमान समय चिकित्साधीन अच्छा स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही सूचना मिलू किंतु अंपटे आम जब कह जो तीन जन दुर्वृत्त को गिरफ्त कर मोटरसाइकिल मोबाइल फोन जबत कर मोबाइल फोन रू से किसी तथ्य हासिल कर पुलिस निश्चित भाव पूर्व जदि आप देखिए लगातार आम जो कथा खबर रे देखा कि जिते का पुलिस एसब कथा नहीं प्रकट कले कि सूचना देले जो तीन जन रही बंधु विशेष विशेषकर जो जी बॉयफ्रेंड रही सीए मोबाइल रे इस बेले जो गणदुष्कर्म करते से सब अति संगीन भाव से सब भिड चित्र को मोबाइल रे रेकर्ड करते जो मोबाइल टी पुलिस जबत करनोटाक मोबाइल ये जो सांग माने रही दुईज बंधु एवं जी बॉयफ्रेंड रही तीनो मोबाइल रे सी एभली संगीन वीडियो मध्य रेकर्डिंग करते जहाँ को पुलिस जबत करोर्टे प्रड्यूस कर जमापड़ी कितु बड़ कथा हो जो मोबाइल टी वीडियो रेकर्डिंग होता से सब वीडियो अन्य कौटि की जाना कि अन्य कौटी सोशल मीडिया रे मध्य पोस्ट कराई कि जहाँ पुलिस जानवाक पाई यही सब वीडियो को लेकिन भविष्य में प्री प्लान करते कि ब्लाकमेलींग करेंगे विभिन्न समय निर्यातना देवे एटी से डाकबे कि पूर्व जो प्लान ता फंड हो जाता तो आपको नहीं कि वर्तमान समय आम कहीपर तर जो मोबाइल गुड़िक रही दुईट मोटरसाइकल जबत कर वर्तमान समय आम कहीपर पुलिस जो तदंत प्रक्रिया रही था ताए मध्य रही किंतु जहाँ जमापड़ यही घटना रे वर्तमान आउ अन्य कौनसी अभियुक्त नहाती केवल यही तीन जन अभियुक्त थिले सहित जेहेतु होटेल रो मैनेजर खामखियाली नीति भाव करते सी कौन डॉक्यूमेंट नहीं घटना संप्रुक्ति जेहेतु आ गिरफ्त अंपटे जो होटेल रे ये युवक मैंने नाबालिका को लेकिन रखी थे ता सहित अन्य रूम गुड़िक मोट बारटी जो होटेल रो रूम रही बारटी रूम को सीज कर बड़ कथा हो छी वर्तमान समय रे नाबालिका जन रूम को सील करा जाय छी एवं सबुठ बड़ कथा हे छी तीन जना दुर्वृत्त को गिरफ करा जाय छी एतरे आउ कार संप्रुक्ति नाही बोली जणा पडु छी तीन जना कर ही संप्रुक्ति स्पष्ट भाव रे सूचना मिलु छी एवं अन्य पटे होटल मैनेजर को मध्य गिरफ करा जाय छी एमान को पचरा उचरा करा जीव एवं परवर्ती समय रे आहुरी किछ सत्यता पदा को आसीबो किंतु प्रतिशोध परायण हो जो मुख्य अभियुक्त जे रहि छंती नाबालिका को प्रेमिक जे थिले से एई भली कांड भियाई छंती एवं तांको सहित आउ दुई जन सांग एभली जघन्य कांड में लिप्त थे तेणु परवर्त समय को कड़ा कार्यानुष्ठान विरोध में कौन निया नजर रही कहीं परिवार लोके दावी करा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा ये पूरा घटना को नहीं प्रसंजित आम जी कहरवासी अंचलवासी किसी प्रतिक्रिया मिली कि निश्चित भाव देखु
ଏଟା ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଘଟଣା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଚିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଖବରଟି ଆସିଥିଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କାରଣ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସେ ନେଇକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମହଲରେ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଇନ ଆଗରେ କେହି ବି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ଆଇନ ଯେତେବେଳେ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ହେଉଛି ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯିଏ ଅପରାଧ କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥାଏ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁଲିସ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅପରାଧ ଘଟୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ଲି କ୍ରାଇମ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦମନ କରାଯିବ କ୍ରାଇମ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ ସେ ନେଇକି ପୋଲିସ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ଲି କାମ କରୁଛି ତ ଏଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସଦର ଥାନାରେ ସେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସାଗରିକା ନାଥ ସେ ତତ୍ପର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ଆକ୍ଟିଭ୍ଲି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଆମେ ଏ ନେଇକି କହିପାରିବା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଧରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ଏ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ କଥା ମାନିଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା କି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ତ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଘଟଣାକୁ କେତେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି ପୋଲିସ ତାହା ଏଥିରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ତ ନଜର ରହିବ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବେପାରକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରିବାର ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅବଗତ ଥିଲେ କି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କିଛି ପତ୍ରିକା ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଏ ଘଟଣା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେହି ବାବଦରେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ତ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ଚାନ୍ଦିପୁର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଚାପରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଷପାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଫ୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ତ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଭଳି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ନା କୌଣସି ରିଲେସନସିପ୍ ଥିଲା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଥିଲା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ମେଡିକାଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସେଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ ବା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି ତା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଅତି କଡ଼ା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ